राफिक कल स्कूल जाएगा। क्या मतलब, तुमने उसका एडमिशन करवा दिया क्या? अल्लाह का शुक्र है, एडमिशन भी हो गया है और फीस का इंतजाम भी। बड़ा दिल किया आपा ने, दिल का दौरा तो नहीं पड़ा इतना खर्चा करने पे। किताबें भी दिला दी, एडमिशन भी करवा दिया। वैसे सोनिया कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, सगा भतीजा है राफे उनका। मैंने अपना मोबाइल बेच दिया है। चल, इसलिए सब चीजें आ गई। क्या मतलब तुमने अपना मोबाइल बेच दिया? यार मैंने तुमसे कहा था एक महीना रुक जाओ। सोके सदाकत, मोबाइल ही है ना, जरूरत पड़ गई इसलिए बेच दिया, फिर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप उमानी? समोसा उठा के दो। मामा, बाहर राशिद अंकल और पापा मेरा वेट कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। अरे अमल, चली जाना। कुछ खा लो ना थोड़ा सा। हाँ, बल्कि काम करो, आपा को बोलो अंदर आ जाए। नहीं, वो राशिद अंकल ने अनवार अंकल के ऑफिस जाने हैं, इसलिए वो लोग अंदर नहीं आएंगे, मैं फिर आ जाऊंगी। मम्मा, एक ग्लास पानी पिला देंगी प्लीज? हाँ हाँ। राफे बेटा, आप चीजें लेके अंदर कमरे में जाओ, मैं आपके के लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठो ना, मैं लेकर आती हूँ। रही राशिद के साथ तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना कितना आवारा है वो। पापा साथ है मामू। एक्चुअली राफे की बुक्स लेनी थी, इसलिए पापा ने कहा कि राशिद अंकल हमें शॉप तक छोड़ दें। अरे आपा को क्या परवाह, जवान जहान लड़की कटी पतंग की तरह सारी दुनिया में इधर उधर डोलती फिर रही है। और वैसे भी तुम कौन सी उनकी सगी औलाद हो भाई? सदाकत, ये बातें ना सोनिया को सोचनी चाहिए कि अपनी बेटी को लगाम डाल के रखे। मैं पानी पीकर आती हूँ। तो सुनो, बड़ा जल्दी आ जाना, ऐसा ना हो कि वो हॉर्न बजाए और पूरा महला सर पे उठा ले। जाओ। जी। नहीं भाई, निकल गई है लड़की हाथों से, मैं बता रही हूँ इसको अब कोई नहीं पकड़ने वाला। और आप किस बात का सोग मना रहे हैं सर पकड़ के? बहुत महंगाई हो गई है, ठंडा हो रहा है सब कुछ, खा लें। ने कुछ कहा मेरी गुड़िया को? मामा, कोई हमें क्या कहेगा, हमारा तो अपना नसीब ही खराब है। तो आपने राफे के एडमिशन के लिए अपना मोबाइल फोन बेच दिया। मैं और आप एक आवाज के ताल्लुक से तो बंधे थे, मेरा बाप से वो ताल्लुक भी खत्म हो गया। ऐसे कैसे सोच लिया तूने? माँ का अपने बच्चों से ताल्लुक रूह का होता है, और हम मिले या ना मिले, हमारा बंधन दिलों से जुड़ा हुआ है। परेशान मत हो, फोन का क्या है, मैं ले लूंगी मोबाइल। तुम्हारे भाई का एडमिशन कराना बहुत जरूरी था। अब ठीक कह रही है, राफे बहुत खुश लग रहा है, मैंने उसे इतना खुश इतने अरसे के बाद देखा है। अच्छा मामा,
पुप्पो बता रही थी कि आपके पास फीस के पैसे कम पड़ रहे हैं। अच्छा ना, आप फीस ये रख लें। ये क्या है? हम ये कैसे रख सकते हैं पैसे? उमा, रेहान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने उसे पैसे वापस करने की कोशिश की थी लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उमा, वो कह रहा था कि ये पैसे मैं आपके और आफे के यूज में लाऊं। आप प्लीज इन पैसों से राफे की फीस का सारा बंदोबस्त करिए। आपको उसकी फीस के पैसे भी तो चाहिए ना? अच्छा, आई प्रॉमिस, मेरी जॉब हो जाएगी ना, मैं अपनी सैलरी से एक दो मंथ में उसके सारे पैसे वापस कर दूंगी। पक्का प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, उसे मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। डन। अच्छा मेरी बात सुने, मैं कल राफे को स्कूल के लिए खुद लेने के लिए आऊंगी, आप परेशान नहीं होइएगा। अच्छा ठीक है, ख्याल से जाना। What a pleasant surprise. तुमने कैसे फोन किया मुझे? Mr. Intelligent, तुम्हें thanks करने के लिए फोन किया है। In fact, मामा भी तुम्हें thanks कह रही थी। तुम्हारे पैसों से finally राफे की फीस चली गई। अब बस भी कर दो। तुम्हारी दोस्ती क्या सिर्फ फ्रेंडशिप के सर्कल में घूमती रहेगी? तुम कुछ भी कहो रेहान, लेकिन मेरे मांगने के बावजूद भी मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरी हेल्प नहीं की। सिर्फ तुमने की, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा स्टेप लिया। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? ज्यादा बनो मत, मैं जानती हूँ कि वो पैसे तुमने कहाँ से अरेंज करके मुझे दिए हैं। क्या मतलब, तुम्हें क्या पता चल गया? तुमने अपनी बाइक बेच दी रेहान, जबकि तुम जानते हो कि मेरी अभी ऐसी पोजीशन नहीं है कि मैं पैसे वापस कर सकूं। वो बाइक तुम्हारी जरूरत थी, फिर भी? हाँ फिर भी बेच दी, क्योंकि तुम्हें अभी पैसों की जरूरत थी और दोस्ती काम आते एक दूसरे के मुश्किल वक्त में। आज तुम पर मुश्किल है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया, कल को अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम कर देना, सिंपल। अच्छा सुनो, आज शाज़िम की बर्थडे है, तुमने उसे विश किया, हम लोग उसी कैफे में इकट्ठे होंगे, तुम भी आ जाओ, सबको ज्वाइन कर लेना। ओह गॉड, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, चलो मैं देखूंगी। थैंक्स रिहान। ओके बाय।